स्टोरी विथ अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता, अभी आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विथ अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं सस्पेंस थ्रिलर और जासूसी नॉवेल सीरीज विजय और विकास इसी नॉवेल सीरीज की 32वीं एपिसोड के साथ। और इस सीरीज में इन दिनों आप लोग सुन रहे हैं भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक वेद प्रकाश शर्मा की बहुचर्चित उपन्यास चीख उठा हिमालय। आज इस नॉवेल सीरीज की 32 एपिसोड आप लोग सुनेंगे। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज विजय और विकास। सुनिए इसी सीरीज की 32वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। अमेरिका में मौजूद हमारे जासूस नागपाल ने रिपोर्ट भेजी है। अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ने यह काम हैरी को सौंपा है कि वो चमन में वो वतन के बनाए यंत्र और उसके फार्मूले को गायब करे। हैरी सीक्रेट सर्विस के चीफ की तरह से ये खास हिदायत दी गई है कि इस सारे अभियान में कोई ये न जान सके कि वो हैरी है। सच पूछा जाए तो अमेरिकन सरकार वो वतन से बहुत डरने लगी है और वो ये नहीं चाहती कि वतन को पता लगे कि अमेरिका अपना कदम उसके खिलाफ कोई कदम उठा रहा है। ब्रिटेन से क्या रिपोर्ट है गुरु, विकास ने पूछा। ये कि इसी काम के लिए वहाँ से जेम्स बॉन्ड को भेजा जा रहा है। पाकिस्तान से जो दो जासूस नुसरत और तुगलक खान आ रहे हैं। रूस से वागारोव को ये काम सौंपा गया है। इन सभी को अलग अलग इनके देशों ने ये काम सौंपा है कि ये चमन से यंत्र और फार्मूला गायब करें। क्या इन सब देशों के जासूस को ये जानकारी है कि उसकी तरह ही दूसरे देशों ने भी अपने अपने जासूसों को ये काम सौंपा है? नहीं तो हुक्म बोलिए गुरु, विकास ने पूछा। सुनो, धनुष रंकार को साथ लेकर तुम्हें चमन के लिए रवाना हो जाना है। चीन हम, विजय ने कहना शुरू किया, चीन हम खुद जाएंगे। प्यारे विक्रम आदित्य को रूस भेजा जाएगा, अशरफ को अमेरिका, परवेज पाकिस्तान और आशा को ब्रिटेन। यानी आप तो पूरी सीक्रेट सर्विस को ही हरकत में ला दिया। काम उसी ढंग से करना चाहिए प्यारे, जिस ढंग की जरूरत हो, विजय ने कहा। अलग अलग देशों से मोहरे चले कहाँ है, कह नहीं सके इनमें से कौन कामयाब हो। सबसे महत्वपूर्ण काम तुम्हारे हवाले किया गया है, हर देश का जासूस चमन में पहुंचेगा। इस व्यू का केंद्र चमन है, अतः केंद्र पर हमने तुम्हें नियुक्त किया है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, अगर सारे जासूस एक ही समय पर चमन में पहुँचे तो चमन में बेशक दुनिया के महान जासूसों का ज़बरदस्त टकराव होगा। हमारी राय यह है कि उस टकराव में तुम शरीक नहीं होगे। तो फिर वहाँ क्या तमाशा देखूँगा? बेशक, क्या मतलब, विकास चौंका। वैसे तो हम जानते हैं प्यारे दिल जले कि काम अपने ढंग से करोगे और हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा, विजय ने उसे समझाते हुए कहा। खराब आदत फिर भी, लेकिन नहीं रहोगे। सुन, तुम वहां पहुंचोगे लेकिन वतन के अलावा कोई ये नहीं जान सकेगा कि विकास वहां पहुंच गया है। तुम्हारा काम वो वतन, उसके आविष्कार और फार्मूले की हिफाजत करना होगा। जिस वक्त हैरी बागारोफ, जेम्स बॉन्ड, तुगलक अली, नुसरत खान, सांगफोक, हवांची और सिंगी वहाँ पहुँच जाएंगे तो एक का एक लक्ष्य जाएगा।
दूसरे के बारे में निश्चित रूप से पता लग जाएगा, तभी हम कुछ कह सकेंगे। मिलकर काम हुए नहीं करेंगे, दूसरे का विरोध करेंगे और उनमें टकराव होगा। संभव है कि उस टकराव में इनमें से एक आध का कल्याण हो जाए। इनके बीच नहीं कूदोगे तो आपसे लड़ाई में जीतने के बाद जो भी वतन तक पहुंचने की कोशिश करे उसे संभालना ही तुम्हारा काम होगा। लेकिन आप सब लोग चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और पाकिस्तान में क्या करेंगे? अखंड कीर्तन, विजय ने कहा। पहले पूरी बात सुन लिया करो, तब चोंच खोला करो। ये माना कि तुम अभिमन्यु बनकर उस चक्रव्यूह में घुसे होगे, लेकिन प्यारे मालूम है ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस कर ही रह गया था। वहीं डर हमें भी है। माना कि तुम कामयाब न हो सके और इनमें से कोई यंत्र और फार्मूला प्राप्त करने में कामयाब हो गया तो क्या करोगे तुम? मेरे ख्याल से ऐसा होगा ही नहीं गुरु। तुम्हारे ख्याल रेत की दीवारों से ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं प्यारे, विजय ने कहा। और हमारे ख्याल अक्सर पत्थर की लकीर कहलाते हैं। अपने ख्यालों को जेब में रखो और हमारी बात को कान में आंवले का अचार डालकर सुनो। तुम्हें एक विशेष ट्रांसमीटर दिया जाएगा, उसकी मदद से जब चाहो विक्रमादित्य, झांझरोखे, गोगिया पासा से संबंध स्थापित कर सकते हो। माना कि दुश्मनों में से कोई अपने अभियान में कामयाब हो गया तो तुम ये सोचना उसके देश में मौजूद हम में से किसी को भी दे दोगे। मानो कि जेम्स बॉन्ड कामयाब हो जाता है तो तुम फौरन ये सोचना मिस गोगिया पासा को दे दोगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में वही होगी। आता चीफ अपने को बॉन्ड जेम्स, फिर जेम्स बॉन्ड अपने तक न पहुंचने देने का काम उसका होगा। मतलब ये कि अगर चीनी जासूस कामयाब हो तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूं, विकास ने कहा। ओ मारा साले पापड़ वाले को, हमारी बातें समझ गए तो? गधे की लात की तरह, विजय ने कहा। कहा जाए तो कामयाब हैरी को झांझरों के तुगलक और नुसरत कामयाब हो तो परवेज को कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश का मतलब हो उसी देश में मौजूद भारतीय सीक्रेट सर्विस के एजेंट को सूचना दे दी जाएगी। ये तो मैं समझ गया गुरु, विकास ने कहा। लेकिन माना कि चाचा बागारोफ कामयाब हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि मैं रूस में मौजूद अंकल विक्रम को सूचित कर दूँ, वे हरकत में आ जाएंगे। ये ठीक हमें देश से अन्य मौजूद साथी जैसे चीन में आपका क्या काम रह जाएगा? पिरकिंग की ठंडी सड़कों पर टहल कर वो वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो बेकार में इतना लंबा लफड़ा फैला रहे हो गुरु, विकास ने कहा। जिस दिन से तुम्हारी तुच्छ बुद्धि में हमारी महान बातें फिट होने लगी है प्यारे दिल जले, उस दिन से लोग तुम्हें विकास नहीं विजय कहेंगे, विजय कहता चला गया। तुम एक बार ही बार में ये सोचना योजना सुन लो जो हमने बनाई है, उसे शांतिपूर्वक सुनने के बाद शायद तुम्हें किसी तरह का कोई सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े। सुनो, हम सब लोग उन देशों को रवाना होंगे स्टेटमेंट के वतन से जो हरकत में आए हैं। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हम उस देश के जासूस को चमन तक ना पहुंचने दें जहां तुम हो। माना कि मैं चीन जाता हूं, मेरा प्रयास ये होगा कि साकफोक एक पार्टी को मैं चमन में न पहुंचने दूं। लेकिन अगर वो मेरे चीन पहुंचने से पहले ही चीन से निकले में अथवा अपनी कोशिश में के बावजूद भी मैं उन्हें न रोक पाऊं तो चमन में उनका टकराव तुमसे होगा। हालांकि तुम भी उन्हें उनके अभियान में कामयाब नहीं होने दोगे, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो चीन में हम फिर मिलेंगे। नहीं कोई ये अभियान सकता कि कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। जो भी सफल होगा उसी के देश में मौजूद भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट हरकत में आ जाएगा, बाकी लोग चुपचाप भारत लौट जाएंगे। चक्रव्यूह तो आपने बताया गुरु, अजी हमारे क्या कहने हैं डालते, हम तो न जाने क्या क्या बना डालते हैं, विजय सीना तान कर बोला। गुरु बनाया तो आखिर आपने ही हो चक्रव्यूह, विकास और ब्लैक वाई सिर्फ मुस्कुरा कर आ गए।
फिर कुछ देर की बातों और ब्लैक वॉय द्वारा किया गया कुछ ऐसा सामान जो इस अभियान में उसके काम आने वाला था वो सब लेकर वो लोग अलग अलग निकल दुनिया के अलग अलग देशों में निकल गए। और महान जासूसों से टकराव के ख्वाब देखता विकास घर पहुंचा। पहुंचते ही रैना ने उसे आड़े हाथों लिया। विकास जब इधर बहाने बनाने को लगा तो उधर रैना ने कहा कि मुझे मालूम है इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो। खोपड़ी बुरी तरह झरना उठी उस लड़के का। बोला क्या मतलब? मतलब ये। कहने के साथ ही रैना ने उसके हाथ पर एक कागज रख दिया। धड़कते दिल से ये सोचता हुआ विकास कागज की ये तह खोलने लगा कि कागज किसका और इसमें क्या लिखा है। और उसने उसे खोला, पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारे गुरुदेव चरण स्पर्श, आप तो विजय गुरु के कहने में चलते हो ना, न जाने वतन की मदद के लिए चमन में कब आओगे। शायद उस वक्त जब मेरे भाई का अंजाम खत्म हो चुका होगा जो डॉक्टर भौरा चमन ही आज में सकता है। मैं चुप नहीं बैठ सकता, आपके चरणों की कसम। वतन की तरफ कोई आंखें भी उठाए तो मैं उसकी आंखें ना निकाल दूं तो मेरा नाम मोंटो नहीं। मैं जा रहा हूं, आप जो समझना है समझो मगर जरूरत समझो। अपने बच्चे की मदद के लिए चमन आ जाना, जरूरी ना समझो तो आपकी इच्छा। आपका धनुष टंकार। विकास ने खत पढ़ा। एक पल के लिए तो उसका सर चकरा कर ही रह गया। उसने देखा कागज में सबसे ऊपर तारीख पड़ी थी, पिछले दिन की तारीख। सचमुच कल शाम से ही धनुष्टकार उसे कहीं भी नहीं चमका था, मगर उसे तो ख्वाब में भी ये उम्मीद नहीं थी कि धनुष्टकार अकेला ही चमन पहुंच जाएगा। घंटियों की आवाज सुनते ही धनुष्टकार उछल कर खड़ा हो गया था। वो जान गया था कि उसका भाई आ रहा है वतन। उसने जल्दी से पब्बे का ढक्कन बंद करके जेब में डाला और जैसे उसने कक्ष के दरवाजे की तरफ देखा, सफ़ेद जैसा दूध रहा हो उपरविष्ट में कमरे बकरा था। धनुष्टकार उसकी तरफ झपटा। अपोलो धनुष्टकार की तरफ बड़े अजीब ढंग से एक दूसरे के गालों पर प्यार किया उन्होंने। अभी वे प्यार कर ही रहे थे कि दरवाजे पर नजर आए सफ़ेद जैसे दूध वतन, आंखों पर चढ़ा सुनहरे फ्रेम और गाढ़े चश्मा, शानदार शीशे, काले शीशे का शानदार चश्मा, गाढ़े और फ्रेम सुनहरे। इस बार वतन के हाथ में एक नई चीज़ थी, एक छड़ी का रग भी दूध जैसा सफ़ेद था। उसे देखते ही धनुष्टकार अपोलो से अलग हुआ। उसकी तरफ देखते देखता वतन मुस्कुरा रहा था। धनुष्टकार ने एकदम जंप लगा दी, उसके डाल उसने गले के वतन बाहें डाल दी। न सिर्फ झूल गया बल्कि पागलों की तरह वतन का गाल चूम रहा था। वतन ने भी प्यार से उसे लिपटा लिया। अकेले ही आए हो क्या? वतन ने सबसे पहला सवाल यही किया था। धनुष्टकार ने इशारे से हाँ कहा। ये थी वतन और धनुष्टकार की वो पहली मुलाकात जब भारत से चमन पहुँचने पर वो वतन से मिला। राष्ट्रपति भवन के मुलाजिमों ने उसे ये कहकर कक्ष में बैठा दिया था कि वे अभी महाराज को सूचना देते हैं। कुछ ही देर बाद कक्ष में अपोलो और वतन पहुंचे थे और फिर हॉल अतिथि। राष्ट्रपति भवन में धनुष्टकार की जबरदस्त खातिर की गई थी। तब वे नाश्ता कर रहे थे। वतन की छड़ी उसकी कुर्सी से सजी रखी थी। नाश्ते के बीच ही वतन ने उसे पूछा था, मोंटो कोई आए यूं ही घूमने चले आए हो या कोई खास बात भी है? जवाब में धनुष्टकार ने उसे अपनी डायरी का एक लिखा हुआ पृष्ठ पकड़ा दिया। उस कागज में धनुष्टकार ने लिखा था, आपने आविष्कार के विषय में अखबारों में स्टेटमेंट देकर अच्छा नहीं किया। दुनिया की महाशक्तियां, माने जाने वाले राष्ट्र उस आविष्कार को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस आविष्कार के कारण ही आपकी जान खतरे में है और आपकी मदद के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। पढ़कर बड़े आकर्षक ढंग से मुस्कुराया वतन। बोला, पगले, तुम बहुत ही पगले हो बेटे मोंटो। क्यों? धनुष्टकार ने इशारे से पूछा। इसलिए कि तुम व्यर्थ ही चिंतित हो उठे, वतन ने कहा। जिस देश का शासन मैं चला रहा हूँ
वो छोटा जरूर है लेकिन इस देश का शासक दुनिया की महाशक्तियों के हथकंडों से पूर्णतया परिचित है। मैं जानता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट से दुनिया में खलबली मच गई है, यही तो मैं चाहता भी था। क्यों? दानिशंकर ने पुनः इशारे से पूछा। इसलिए कि सारी दुनिया को ये बता सकूं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस ऐसे देश नहीं है जिनके विज्ञान की दुनिया पर एकाधिकार है। मैंने साबित कर दिया है उनके मुकाबले चमन जैसा छोटा राष्ट्र भी कुछ कर सकता है। क्या दुनिया की महाशक्तियां चमन के इस आविष्कार से चिंतित नहीं उठी है? दुनिया की महाशक्तियां सिर्फ चिंतित होकर ही नहीं रह जाती है। धनुषाकार ने डायरी के पेज पर लिखकर बतन को दिया, तब ईर्ष्या से जलती ही रही है, बल्कि वे भी शायद हमारा कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन इनकी आदत है कि ये किस तरह भी शक्ति को समाप्त कर डालती है जो उनके करीब जाना चाहती है। डॉक्टर भावा का नाम तो सुना ही होगा भैया, उन्होंने भी तुम्हारी तरह ये घोषणा कर दी थी कि उन्होंने एक ऐसा आविष्कार कर लिया है जिससे समूचे भारत पर किरणों का एक ऐसा जाल बिछा देंगे कि दुनिया का कोई भी अणु को भारत बम लेस मात्र भी क्षति न पहुंचा सकेगा, और उनका अंजाम तो तुम अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, कहा वो वतन ने मुस्कुरा कर हल्के से कहा। भावा नहीं हूँ मंटू, इन भावा डॉक्टर ठीक और थे, नहीं जानते कि दरिंदों उनके विपरीत में इन हरमजादों को नस से वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन से पल में किस हद तक घिनौनी चाल ये चल सकती है। तो ऐसा नहीं है मोन्टो कि मैं अखबारों को बिना कुछ सोचे समझे स्टेटमेंट दे दिया है। अखबारों को मैंने जो कुछ दिया है बहुत अच्छी तरह सोचा है, सोच समझ कर दिया है। मुझे मालूम था कि मेरे इस स्टेटमेंट में दुनिया में हलचल मचेगी, महाशक्तियों को चमन के रूप में मंडराती अपने ऊपर मौत नजर आएगी, अपनी ताकत के मद में चूर जो राष्ट्र अंधे हुए जा रहे हैं उन्हें एक ठोकर लगेगी, वे पलट कर चमन की शक्ति के कारण यानी वो यंत्र छीन लेना चाहेंगे जो मैंने बनाया है। उनका प्रयास तो यही होगा कि वे चमन की शक्ति के स्रोत यानी वतन को ही खत्म कर दे। धनुषाकार ने पुनः स्टेटमेंट इतना सब कुछ जानते हुए स्टेटमेंट में लिखा। वतन ने पढ़ा, धीरे से मुस्कुराया, बोला हाँ, क्योंकि मैं उन्हें बता देना चाहता था कि हर भारतीय डॉक्टर भावा नहीं होते। मैं तो चाहता ही ये हूँ कि वे अपनी कोशिश करें। तुम लोगों के यहाँ से गए 6 महीने ही हुए मोन्टू, 6 महीने मेरे चमन को आज़ाद हुए। इन 6 महीने मैंने यही एकमात्र काम किया है जो तुमने अखबारों में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत किसी इनकी ये महाशक्तियों के लिए काम की गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब मैं इनको जरूर दे सकूं। जैसे धनुषाकार ने लिखा, बता ने पढ़ा, पढ़कर जवाब दिया, अभी तो बताने का वक्त नहीं है, तो अगर रहोगे तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। आओ चले, समय का दरबार फिलहाल दरबार का समय हो रहा है, बाकी बातें दरबार के बाद करेंगे। अपनी वतन ही साथ के कहने के जान संभाल कर उठ खड़ा होगा। तभी धनुषाकार ने एक हाथ उठाकर उसे 1 मिनट रुकने का इशारा किया। बोलो, वतन मुस्कुराया, क्या पूछना चाहते हो? धनुषाकार जल्द ही कुछ लिखकर उसने डायरी जल्दी से वतन की ओर बढ़ा दिया। इंतज़ार करना पड़ा कि धनुषाकार को जो लिखना था ये लिखकर उसके हाथ में डायरी पकड़ दी। वतन उसे अपने होठों पर मुस्कान लिए पढ़ना शुरू किया, पर पूरा पढ़े तब एकमात्र मस्तक पढ़ते उसके होठों मुस्कान से गायब हो गई और एक चिंता उभर आई। उसने इस इबारत को पढ़ा, उस पर लिखा था, हम जब बार पिछली सब यहाँ आए थे तो किसी ने भी तुम्हारे हाथ में कभी कोई छड़ी नहीं देखी थी भैया, लेकिन इस बार देख रहा हूँ आप इस छड़ी को 1 मिनट के लिए भी खुद से जुदा नहीं कर रहे। जिस तरह बेदाग सफ़ेद कपड़े और ये काला चश्मा आपकी प्रिय है, उसी तरह इस बार ये छड़ी भी लग रही है। क्या मैं इस लायक हूँ कि इस छड़ी के बारे में कुछ जान सकूँ? धनुषाकार ने देखा और
दोबारा पढ़ने के बाद बतन के मस्तक पर पड़ा बल को ज़्यादा गहरा हो गया। उसने धनुष श्रृंगार की तरफ देखा, फिर उसके होठों से एक अत्यंत ही गंभीर स्वर निकलने, छड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो देखो। कहने के साथ उसने छड़ी को ऊपर उठाकर एक हाथ से उसका ऊपरी हैंडल पकड़ा, फिर खींच दिया एक तेज झटका, ठीक इस तरह जैसे किसी मायान में से तलवार निकले। छड़ी के अंदर से मुकदर निकल आया, हड्डियों का बना मुकदर। वो मुकदर अभी तक खून से सरोवर था। हड्डियों के बने मुकदर पर लगा खून सूख कर काला पड़ चुका था। धनुष टंकार अभी अवाक सा उसे देख ही रहा था कि वतन की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। वो कह रहा था कि बहन और माँ, इसे पहचान मुंडो, ये मेरी माँ और बहन का हड्डियों का बना वही मुकदर है जिसे विकास ने बनाया था, जिसके वार सहता कमीना सहता मैगलिन मर गया। ये इस पर लगा खून देख रहे हो ना, ये मैगलिन का खून है। ये मुकदर कभी नहीं धुलेगा मुंडो, कभी नहीं। हड्डियों की इन अपनी माँ और बहन की इन हड्डियों को कभी साफ नहीं करूंगा भाई। मैंने कसम खाई है कि यार जुल्मों के खून का कुछ पर हड्डियों का अंश कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा मैं, हमेशा। धनुषंकार के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। आगे कुछ पूछने के लिए उसे जैसे कोई प्रश्न ही ना मिला। वतन ने खुद को संभाला, मुकदर को छतरी और रखा मयान में रखा। आओ दरबार में चले। धनुषंकार ने एक नज़र छड़ी को देखा, फिर चुपचाप बतन के पीछे चल दिया। अपोलो बतन से आगे अपने गले में पड़ी घंटियां बजाता चला जा रहा था। घंटियों की वो आवाज़ बतन के आगमन का प्रतीक था। दरबार में प्रविष्ट होते ही धनुषकार की खोपड़ी सनसना कर आ गई। दरबार में अन्य जो थी बातें विशेष चीज़ जिसने वो चीज किंतु वे तो थी ही, किंतु वो जिसने चीज़ धनुषकार को चकरा दिया था वो बढ़िया ओ फल वाली थी। वो बुढ़िया फल वाली थी जिसे वतन दादी माँ कहता था। वो दरबार के सर्वोच्च सिंहासन पर इस वक्त विराजमान थी। मस्तक प्रोहित ताज जो वतन ने उसे पहनाया था। धनुषंकार के दिमाग में एक विचार कौद गई कि बुढ़िया तो पहले ही मर चुकी थी, उसकी तो जलती चिता भी सबने देखी है, फिर ये जिंदा ये फूल वाली बूढ़ी दादी, आखिर क्या चक्कर है, क्या माँ इस सिंहासन पर कैसे विराजमान है। धनुषकार का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। उस पर रहा ना गया तो झपट कर वतन के कंधों पर चढ़ गया। फिर सांकेतिक भाषा में उसने वतन से उस बुढ़िया के बारे में पूछा। तब इरादा उसका वतन समझा तो हंस पड़ा। दरबार के कोने कोने में उसकी खिलखिलाहट गूंज उठी। धनुषकार आश्चर्य के साथ उसे देखने लगा। पहली बार उसने वतन को इस तरह खुलकर हंसते देखा था। न सिर्फ उसने ही बल्कि दरबार में मौजूद हर इंसान ने वतन को जिंदगी में पहली बार इस कदर खुलकर हंसते देखा था। सारा दरबार उसकी हंसी की आवाज़ से गुज रहा था। कुछ देर बाद अपनी हंसी को काबू में करके वतन बोला, विकास जैसे जासूस का शिष्य होकर तुम धोखा खा गए मोंटू। अब तो मानना पड़ेगा कि चमन के संग तरास दुनिया में बेमिसाल है। धनुषकार ने इशारे से पूछा, क्या मतलब? जरा दादी माँ को करीब से जाकर देखो, मतलब तुम्हें खुद पता लग जाएगा। वतन कह रहा था, ये दादी माँ नहीं, उनका स्टैचू है। चमन के ही एक संग तरास ने इसे तैयार किया है। जब वो संग तरास इसे लेकर दरबार में पहुंचा, तो हम सहित दरबार में मौजूद हर इंसान की मनोदशा वैसी ही थी जैसे कि इस वक्त तुम्हारी है। सचमुच दूर से देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि सचमुच की दादी माँ नहीं बल्कि स्टैचू है। जैसा कि तुम जानते हो मंटू, चमन पर असली हुकूमत इन्हीं की है, मैं इनका प्रतिनिधि हूँ। उस वतन हुआ ये सब कहता हुआ वतन सिंहासन के बराबर ही मौजूद अपने सिंहासन पर बैठ रहा था। वतन का सिंहासन फलवाली बूढ़ी माँ ने कुछ नीचा था, सिंहासन पर बैठने का संकेत था। धनुषकार उस दूसरे सिंहासन पर बैठ गया। बैठने के बाद पहली बार उसने दरबार को ध्यान से देखा। अभी तक दरबार में आने के बाद उसने देखा ही क्या था,
दादी माँ के स्टैचू के अलावा वो कुछ भी तो नहीं देख सका था। अब दरबार की स्थिति को भरपूर नज़र से देखा। बेहद खूबसूरती सी सजा था दरबार, बेसकीमती झालरे हॉल की छत से लटके फानूस, दाई तरफ कतार में कई रंग के फानूस लटके थे। वर्दी पहने सशस्त्र सैनिक सावधानी की मुद्रा में खड़े थे। इन कतारों के आगे एक कतार कुर्सियों की भी पड़ी थी, उन पर बैठे उच्च सैनिक अधिकारी। बाई तरफ के कतारे की सैनिकों जल और सफ़ेद वर्दी में और भी जच रहे थे। सिंहासन अधिकारी के सेनाओं दोनों पर कुर्सियां, आगे कतारों के ठीक नीचे कपड़ों में बैठे कुछ व्यक्ति। उनके बैठने का स्थान और तरीका ही बता रहा था कि इस दरबार में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त है। सिंहासन के ठीक सामने कुछ कुर्सियां पड़ी थी। इस पर चमन के साधारण नागरिकों को बड़े सम्मान के साथ बैठाया गया था। अब दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इन शब्दों के साथ बतन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, साथ ही दरबार में बैठा हर व्यक्ति खड़ा हो गया। बतन अपने करीबी यानी दादी माँ के सिंहासन के करीब पहुँचा और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर नतमस्तक होता हुआ बोला, तुम्हारा बच्चा तुम्हें साक्षी मानकर तुम्हारे दरबार की कार्यवाही शुरू करता है। सभी दादी माँ के समक्ष नतमस्तक हो गए। फिर दादी माँ की स्तुति की गई, ऐसे जैसे कोई देवी रही हो। स्तुति के बाद सभी ने अपनी रिपोर्ट वतन देनी शुरू कर दी। सिंहासन के ठीक नीचे सादे वस्त्रों में जो लोग बैठे थे, दंष्टकार ने जब उसकी रिपोर्ट सुनी तो उसने जाना ये चमन के गुप्तचर विभागों से संबंधित है। दरबार की संपूर्ण कार्यवाही को दंष्टकार भी चुपचाप सुनता रहा। हाँ, इस सारी कार्यवाही के बीच उसने ये जान लिया कि वतन ने चमन का शासन बेहद निपुणता के साथ चला रखा है। सैनिक अधिकारियों और जासूसों की रिपोर्ट लेने के बाद उसने चमन के नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान किया। सबसे अंत में दरबार में कुछ पेटियां खोली गई, परंतु वे सब खाली ही निकली। अंतिम पेटी की सील तोड़कर ये देखने पर कि वो भी खाली है, पेटियां खोलने वाला मुलाजिम बोला, ये सारी पेटियां महाराज हैं खाली भी। आज एक पल चुप रहकर वतन ने कहा, विभिन्न स्थानों पर से ये पेटियां इसलिए रखी जाती है कि चमन के किसी भी निवासी को हमने यानी चमन के वर्तमान शासन से किसी तरह की शिकायत हो अथवा किसी भी विषय से संबंधित कोई ऐसी शिकायत हो जिसे कोई अपने नाम के साथ किसी वजह से हम तक ना पहुंचाया हो, ये शिकायत इसमें लिख कर डाली जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता अपना नाम भी लिखे। इसमें किसी भी शिकायत पत्र का न पाया जाना इस बात का श्रोतक है महाराज कि चमन के किसी नागरिक को ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिससे आप तक पहुंचाने के लिए किसी को अपना नाम छुपाने की जरूरत पड़े। अगर ऐसा है तो शायद हम दुनिया के सबसे खुशनसीब शासक हैं। पत्र शिकायत की नहीं आवश्यक, लेकिन वतन ने कहा, इस एक और कारण हो भी सकता है और वो ये इन पेटियों का भी चमन में व्यापक प्रचार ना हुआ। ऐसी बात नहीं है महाराज, मुलाजिम ने बताया, इन पेटियों के बारे में चमन का हर नागरिक जानता है। फिर भी वतन ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे शासन में कोई तागुत रहे, इन पेटियों का प्रचार बढ़ाया जाए। जो आ गया ये कहकर मुलाजिम नतमस्तक हो गया। इस तरह दरबार बर्खास्त हुआ। दोपहर के भोजन के बाद वतन ने धनशंकर को आराम की सलाह दी। उसने भी कहा वो उस दरबार की कार्यवाही के बाद उसे अपनी विशेष प्रयोगशाला दिखाएगा। वो प्रयोगशाला जिसमें दरबार की कार्यवाही के बाद वो ज़्यादातर वक्त गुजारा करता था, जिसमें उसने ब्रह्मांड से आवाज़ कैच करने वाला यंत्र बनाया है। धनुष्टंकार ने तो जिद की थी कि वो आज ही उस प्रयोगशाला में घूमना और उस यंत्र को देखना चाहता है, किंतु न जाने क्यों वतन धनुष्टंकार की ये जिद टाल गया। धनुष्टंकार आराम से राष्ट्रपति भवन के उस कमरे में सो गया जिसमें उसके रहने का प्रबंध किया गया था। उसका अपना ख्याल था कि वतन और अपोलो प्रयोगशाला में चले गए हैं। वो शाम को 5 बजे उठा
राष्ट्रपति की उस भवन का एक मुलाजिम उसकी सेवा हेतु हाथ बांधे खड़ा था। उसने कागज पर लेकर उसे दिया। भैया कहाँ है? प्रयोगशाला में। कागज पढ़ने के बाद मुलाजिम ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। प्रयोगशाला कहाँ है? धनुष डंगार ने लिख कर पूछा। मुझे वहीं ले चलो। क्षमा कीजिए, जवाब मुलाजिम का। इस वक्त महाराज अपने प्रयोगशाला में व्यस्त होंगे, किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। अभी धनुष डंगार अपनी डायरी पर कुछ और लिखने के लिए उंगलियों में दबे पेन को सीधा कर ही रहा था कि एक राष्ट्रपति भवन में घंटियों की मधुर आवाज़ गूंज उठी। मुलाजिम ने एकदम कहा, आ गए महाराज। उसका वाक्य पूरा होते ही कमरे में प्रविष्ट हुआ अपोलो। उसके बाद दूध जैसे बेदाग सफ़ेद कपड़ों में कैद वतन, आँखों पर सुनहरे फ्रेम का काला चश्मा, हाथ में छड़ी व छड़ी जिसके अंदर उसकी माँ और वाहन की हड्डियों को बना मुकदर था। कमरे में बतन की आवाज़ गूंजी, मैं जा रहा हूँ मोंटो। इसके बाद रात के 12 बजे तक धनुषनकार की जबरदस्त खातिर चलती रही। अगले दिन तब जबकि दरबार में पेटियाँ खुल रही थी, जब चौका दरबार उस वक्त आखिरी पेटी खुली, पेटी में से फर्श पर गिरे शिकायत पर प्रत्येक की दृष्टि स्थिर होकर आ गई। ज्यादातर दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। धनुषनकार, अपोलो और वतन की निगाह भी उसी पर थी। चमन के विभिन्न स्थानों पर ये पेटियां रखने का कार्यक्रम पिछले 4 महीने से चल रहा था। प्रतिदिन दरबार में इन पेटियों को खोला जाता था, कभी कुछ नहीं निकला। इन पेटियों के खुलते समय दरबारी बड़े इत्मीनान के साथ खड़े रहते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि उनमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। 4 महीने में ये पहला कागज़ था जो पेटी के माध्यम से दरबार में आया था। तभी तो प्रत्येक की दृष्टि उसी कागज़ पर केंद्रित थी। अजीब थे लगे धड़कन सी धड़क रही थी। ज़्यादातर लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि क्या वो जानते हैं कि कागज़ में क्या लिखा होगा। मगर हर आँख में ये सवाल था, जवाब कहीं नहीं। हम कहते थे ना कि इन पेटियों का व्यापक प्रचार नहीं किया गया, सामने परिणाम का प्रचार के फल, कहने वतन ने कहा। नहीं महाराज, बोला पेटियां खोलने वाला मुलाजिम। थोड़ा आगे बढ़कर बोला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शासन में चमन के किसी भी नागरिक को कोई शिकायत नहीं है। ये कागज़ एवं किसी ने मजाक में डाल दिया होगा। शमशेर सिंह वो आदमी हर वतन की इस गुर्राहट ने दरबार में मौजूद हर आदमी को कपकपा दिया। हमें चाटुकारिता की आदत नहीं है, जानते हो ना, ये कैसे तुम कैसे नहीं पसंद, हमें चाटुकारिता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमसे कोई शिकायत नहीं है? जी मैं जानता हूँ, शमशेर सिंह नामक मुलाजिम बौखला गया। तुम कैसे चाटुकार, अगर हमारे चारों तरफ रहे तो चमन के नागरिक घोर में रहे परेशान हो जाए, घुट घुट कर मर जाए। तुम जैसे चाटुकारों से घिरे हम इसी भ्रम में रहे कि हमारे शासन में किसी को कोई शिकायत नहीं है, कैसे जानते हो तुम? सहम कर शमशेर सिंह ने गर्दन झुका ली। अगर तुम जानते होते तो ये कागज इस पेटी में से ना निकलता, गंभीर वतन का गंभीर लहजा। बात रही मजाक की, बात तो एक का चमन की चाहिए रखना, तुम्हें बचा भी इतना बदतमीज नहीं जो अपने राजा से इस तरह का मजाक करे। चमन का ऐसा कोई नागरिक नहीं। पेटी से निकला ये पत्र ज्वलंत प्रमाण है कि किसी को हमसे, हमारे शासन करने के ढंग से कोई शिकायत है। तुम्हारी ये पहली गलती है, इसलिए क्षमा करते हैं, मगर इस शर्त पर कि भविष्य में तुम हमसे ऐसी चाटुकारिता की बात फिर कभी नहीं कहोगे। शेर सिंह चुप। अपोलो वतन के मुंह से निकला जैसे इसी शब्द का प्रतीक्षक था बकरा। वो अपने सिंहासन से उछला। एक मिनट में वो पत्र लाकर उसने वतन को दिया। इधर अपोलो वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठा और उधर पत्र की तक खोलता हुआ वतन कह रहा था, ये पत्र हम भरे दरबार में जोर से जो भी लिखा है उसके जोर से पढ़ेंगे ताकि उसकी शिकायत आप लोग भी जान पाए। सबकी सांसें रुक गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि वतन के खिलाफ आज चमन के किसी नागरिक की क्या शिकायत हो गई है। वतन ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, वतन बेटे,
वतन ने पत्र में लिखा ये संबोधन पढ़ा तो दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए, परंतु बिना अटके वतन आगे पढ़ रहा था। तुम्हारे शासन में कोई कमी नहीं होती हुई भी, एक सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम्हारा गुप्तचर विभाग बहुत कमजोर है। तुम जानते होगे जिस देश का ये विभाग कमजोर हो उस देश का भविष्य किसी भी समय अंधकार के गर्त में डूब सकता है। तुम शायद ये चाहोगे कि मैं इस कथन को प्रमाणित करूं। तुमने अपने गुप्तचर विभाग को ये काम भी सौंप रखा है कि कोई भी अजनबी चमन में दाखिल होते ही उनके नोटिस में आ जाए, मगर तुम्हारा और गया मैं चमन हुआ नहीं। कोई भी जासूस ये न जान सका कि कोई अजनबी चमन में आ पहुंचा। चमन में ही नहीं बल्कि इस वक्त जबकि ये पत्र दरबार में पढ़ा जा रहा है और पढ़ सुनकर ये शायद सभी को हैरत होगी कि मैं इसी दरबार में मौजूद हूँ। तुम्हारे जासूस अगर मुझे अब भी पकड़ ले तो मैं ये शिकायत वापस ले लूँगा। तुम्हारा नाम अभिनन। इस पत्र की समाप्ति तक सारे हॉल में सनसनी सी दौड़ गई। अजीब घबरा रहे थे और शक भरी दृष्टि से एक दूसरे को सब देख रहे थे। और सिंहासन के करीब बैठे गुप्तचर, इनके चेहरे तो हल्दी की भांति पीले पड़ गए। बतन की दृष्टि अभी तक पत्र पर जमी हुई थी। एकाएक उसने पत्र पर से नजरें हटाई, गौर से एक पत्र देखा को दरबारी को एक दरबार रखा में जब अपने उसने सन्नाटा सा छा गया। मौत के जैसे ऐसा शोक मनाया जा रहा हो। फिर सबने देखा मुस्कान सी अजीब एक खाली वतन के होठों पर उभरने वाली एक अजीब सी मुस्कान को सबने देखा। और सिंहासन के उठ खड़ा हुआ धीरे से सारे दरबार में धीरे लगा उस नीचे संतुलित से कदमों से वो नीचे उतरने लगा। सन्नाटा छा गया था क्योंकि सुई भी गिरे तो बम जैसे विस्फोट की आवाज़ हो। हर दृष्टि इस वक्त वतन पर केंद्रित थी। सिंहासन से नीचे आया, सैनिकों की कतार को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। एकाएक शमशेर सिंह के करीब जाकर ये उसके पैरों झुक गया, पैर छू लिए उसने। अरे अरे महाराज, तो जवान शमशेर बौखला कर उसे रोकना चाहा। पैर पकड़कर वतन ने कहा, महाराज आपका बच्चा आपको पहचान गया। जिस शब्द ये वतन चचा अल्फान से हो गया विस्फोट बन गए। सभी उछल पड़े। धनुषकार तो अपने छोटे बच्चा गिरते गिरते से सिंहासन से शमशेर सिंह ने झुककर वतन के कान पकड़े और उसे ऊपर उठाता हुआ बोला, पगला कहीं का। अल्फांसे का स्वर सुनकर तो धनुषकार उछल ही पड़ा। उधर अल्फांसे वतन को अपने गले से लगाए खड़ा था और इधर कूद कर धनुषकार उसके करीब पहुंचा। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने अल्फांसे के चरण स्पर्श किए तो अल्फांसे का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वतन उससे अलग हुआ तो धनुषकार उसके गले में झूल गया। पागलों की तरह वो अल्फांसे के चेहरे पर से शमशेर का मेकअप उतारने की कोशिश करने लगा तो हंसता हुआ अल्फांसे कहने लगा, मैं खुद ही हटाता हूँ, अब रुक जा शैतान बंदर। अल्फांसे के शब्दों ने चेहरे पर शमशेर के चेहरे की झिल्ली उतार दी। अल्फांसे का चेहरा देखते ही सबके मुंह से किलकारियां से निकल पड़ी। उसके गले में बाहें डाले छाती पर लटका धनुषकार पागलों की तरह अल्फांसे के चेहरे को चूमे चले जा रहा था। अपोलो ने भी करीब जाकर उसके चरण स्पर्श किए। धनुषकार को छोड़कर उसने अपोलो को गोद में उठा लिया। कुछ समय इसी तरह की मौज मस्ती में गुजर गया। पुनः अपने फिर दरबार में अल्फांसे के लिए एक विशेष सिंहासन डलवाया गया। सिंहासन पर जाकर जब वतन के गुप्तचरों देखा तो चौंक पड़े। अभी तक पीले पड़े चेहरे को देखा। चचा अल्फांसे, उसने कहा, तुमने ये पत्र शिकायत इस गुप्तचर विभाग के बारे में जो लिखा है उसे मैं मानता नहीं। सही क्यों? अल्फांसे ने कहा, मैं न सिर्फ चमन में बल्कि इस दरबार तक पहुंच गया और इन्हें भनक तक न लग सकी। क्या ये चचा
ये कमी इसलिए नहीं रही क्योंकि दरबार तक पहुंचने वाले आप है, वता ने कहा। आप दुनिया जो न है उंगलियों को जासूस हुए, सिरदर्द भी इंटरपोल कब से जाने हुए जासूसों को उंगलियों पर नचाते हैं ना, जो दुनिया के माने जाने माने जासूस है। अमेरिका के माफिया संगठन ने जिसके सामने घुटने टेक दिए, जिसने हर देश में जुर्म किए, लेकिन कोई भी सरकार आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी किसी जेल में न रख सकी, तो फिर तो आपके सामने इन छोटे गुप्तचरों की भला क्या बिसात है। ये बेचारे क्या पकड़ पाते आपको। हम तो ये चाहते हैं वतन कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जासूसों से ज़्यादा समझदार और खतरनाक चमन के जासूस, अल्फांसे ने कहा। चाहते हम कहाँ जिसको कभी कोई पकड़ ना सके उसे चमन के जासूस पकड़े। हम तो यही चाहते थे। ये तो आपका प्यार है मेरे प्रति जो आप ऐसा सोचते हैं, वतन ने कहा। आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ दिनों बाद चमन का गुप्तचर संगठन ऐसा ही होगा। फिलहाल दरख्वास्त है मेरी, आप अपने बच्चों को माफ कर दे, वतन संकेत जासूसों की तरफ था। माफ किया, अल्फांसे ने कहा, लेकिन ये नहीं बताओगे कि तुमने मुझे एकदम कैसे पहचान लिया। अब कहीं जाकर जासूसों के चेहरे सामान्य होंगे, वे वतन की तरफ देख रहे थे ये जानने के लिए कि वो अल्फांसे के प्रश्न का क्या जवाब देता है। धीमे से मुस्कुराने के पश्चात वतन ने कहा, यहाँ आने के बाद आपने शमशेर का मेकअप तो कर लिया चाचा, लेकिन चूक आपसे ये हो गई कि शिकायत अपनी आपने पत्र राइटिंग में लिख दिया, जिसे थोड़े से ध्यान से देखने पर ही मैं पहचान गया था। ओह, अल्फांसे के मुंह से निकला। खैर, मेरी राइटिंग पहचानने के बाद ये तुम जान गए कि पत्र लिखने वाला मैं हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुमने ये कैसे पहचान लिया कि मैं शमशेर के मेकअप में हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर अन्य दरबारियों की तरह घबराहट के चिन्ह नहीं थे। वतन, जब ये कहा अल्फांसे ने उसे फोन अपनी बाहों में भेज लिया। तो इसका मतलब ये है चाचा कि आप भी इसी वजह से यहाँ आए हैं कि जिस वजह से मोंटो भारत से यहाँ आया, अल्फांसे की सारी बातें सुनने के बाद वतन ने कहा था। यानी आपको भी यही खतरा हुआ कि मेरे स्टेटमेंट से महाशक्तियाँ मुझे घेरने की कोशिश करेंगी, और नहीं तो क्या, अल्फांसे ने कहा। इस वक्त वे दोपहर का भोजन कर रहे थे और साथ भी बातें आपस में बात भी करते जा रहे थे। ये भोजन कक्ष राष्ट्रपति भवन की तीसरी मंजिल पर था। कुछ देर तक वे यही बातें करते रहे, फिर जबकि वे भोजन कर चुके तो नहशनकार ने डायरी पर लिखा, वो कल का वादा याद है ना भैया, वतन ने कहा। पढ़ा, पढ़कर मुस्कुराया, बोला, क्या तुम्हारी बात मैं कभी भूल सकता हूँ मुंटू। नहशनकार कुछ और लिखवाता, उससे पहले अल्फांसे ने पूछा, पूछोगे भी हम दोनों भाई ही मैं दोनों आपस में बात करोगे, कोई विशेष बात नहीं चाचा, वतन ने कहा। क्रियावादा मुंटो अपनी प्रयोगशाला दिखाऊंगा, उसी के लिए ये लिख कर पूछा है कि कहीं मैं अपना वादा भूल तो नहीं गया जिसमें मैंने मोंटो फ्यारस से ये वादा किया था कि मैं उसे अपना प्रयोगशाला दिखाऊंगा। क्या, हल्के से चौंक कर, आपने अपना प्रयोगशाला भी बना ली है तुमने तो, नहीं तो फिर आपके ख्याल से मैंने ये आविष्कार कहाँ किया होगा, तो तुम्हारी प्रयोगशाला तो हम भी देखेंगे भाई। आप आज आराम कीजिए चाचा, कल देख लीजिएगा, वतन ने कहा। जिस तरह हिटलर की ज़िंदगी में असंभव का कोई शब्द नहीं था, उसी तरह हमारी डिक्शनरी में कहीं तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, अल्फांसे मुस्कुराते हुए कहा। आराम तो हराम है मेरे लिए, इच्छा तो हमारी है वतन, वतन कि तुम्हारी प्रयोगशाला आज ही देखे, परंतु कोई बात नहीं वतन, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे भी इस वक्त हम चमन में हैं, जरे जरे पर तुम्हारा हुक्म चलता है, विसात है हमारी भला कि मैं कुछ कह सकूं। ओह चाचा, वतन इस तरह बोला जिसे उसे बेहद दुख हुआ, कैसी बातें करते हैं आप, कहीं भी सही, लेकिन मेरा हुक्म आपसे बढ़कर नहीं, मैंने तो इसलिए कह दिया था कि आप थक गए होंगे, आपकी इच्छा ये है कि आज ही मेरी प्रयोगशाला देखेंगे, तो आइए। टक टक अपनी छड़ी से ध्वनि पैदा करता हुआ उठकर कहा, वो एक खिड़की के नज़दीक पहुंचा, खिड़की खोली,
बस खिड़की से चमन की बस्ती का एक हिस्सा चमक रहा था। दूर बने दूर मकान, दूर किसी फैक्ट्री की एक चिमनी भी चमक रही थी, मगर ये सब तुम एक सीमा तक ही चमक रहा था। सामने एक दीवार अड़ रही थी, बेहद ऊंची दीवार, जैसे किसी किले की रही हो, परंतु किले किसी दीवार वो दीवार किसी किले की थी नहीं, इसलिए कि वो नई बनी हुई थी। मगर हाँ, दीवार भी कहाँ थी, वो तो एक इमारत, बहुत ऊंची इमारत थी, राष्ट्रपति इमारत, ऊंची, पूरे चमन में सबसे ऊंची इमारत राष्ट्रपति के भवन की थी। किंतु वो साफ देख रहे थे, वो इमारत राष्ट्रपति भवन से भी बहुत ऊंची थी। उसी की ओर संकेत करते हुए बत्तन ने कहा, इमारत को देख रहे हो, देख रहे हो ना आप लोग, दरअसल वही मेरी प्रयोगशाला है। जब तक चमन में वो नहीं बनी थी, तब चमन की सबसे ऊंची इमारत थी और राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब वो है और थोड़ी राष्ट्रपति इस बहुत नहीं बल्कि इस राष्ट्रपति भवन से ऊंचाई दुगनी कठी से भवन जहाँ उस इमारत का निर्माण किया गया है। मैगलिन के शासनकाल में वहाँ एक बहुत विशाल मैदान था। अपनी प्रयोगशाला के लिए मैंने उसी जगह को उपयुक्त पाया और आज आप देख रहे हैं मेरी वहाँ खड़ी प्रयोगशाला। लेकिन इसकी दीवार इतनी चिकनी और सपाट क्यों है, अल्फांसे ने पूछा। कहीं कोई खिड़की पाइप नज़र नहीं आ रही, इतनी ऊंचाई तक जाने वाली इतनी चिकनी और सपाट दीवार बड़ी अजीब सी लगती थी। न सिर्फ ये दीवार चचा, बल्कि प्रयोगशाला के चारों तरफ ही दीवारें इसी तरह चिकनी और सपाट है, वतन ने कहा। कदाचित आप समझ सकते हैं कि दीवारें प्रयोगशाला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अल्फांसे इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बुजुर्ग बच्चों की किसी बचकानी बात पर मुस्कुरा दे। क्या तुम समझते हो, बोला, और चिकनी इतनी कि दीवार इनकी सपाट बनवा कर तुमसे सुरक्षा का कोई अच्छा प्रबंध किया हो। चचा सोचा तो यही है, अल्फांसे कुछ बोला नहीं, हाँ होठों पर मुस्कान वही थी। वतन बोला तो समझा अर्थ का मुस्कान उस। चचा समझिएगा मत ही कि प्रयोगशाला की सुरक्षा का मैंने यही एकमात्र प्रबंध किया है। इसे यूँ समझो कि सुरक्षा के जितने भी प्रबंध मेरे दिमाग में आए वे सभी मैंने इस प्रयोगशाला की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए हैं, मेरा दावा है। बल्कि यूँ समझिए कि आपके लिए भी चैलेंज है कि अगर आप स्वयं इस प्रयोगशाला के अंदर जाकर अंदर एक सुई भी उठाकर सुरक्षित बाहर आ जाए तो महान सिंघी के स्थान पर आपको गुरु मान लूँगा। अल्फांसे धीमे से हंसा, ओह इतना गर्व है अपने प्रबंध पर। गर्व नहीं, विश्वास कहिए चाचा, वता ने कहा। मैं गर्व नहीं करता क्योंकि सुना है गर्व रावण का भी नहीं रहा। खैर सुरक्षा के, खैर अल्फांसे बोला, वे क्या इंतजाम किए हैं तुम? बाकी इंतजाम तो आप प्रयोगशाला के करीब ही जाकर देख सकेंगे। हाँ एक इंतजाम आप यहाँ से अवश्य देख सकते हैं, सो मैं आपको दिखाता, कहने के बाद वतन ने अपोलो से नजरें मिलाकर कहा। अपोलो, अपोलो जैसे जानता था कि उसे क्या करना है, वो खिड़की गया निकल बाहर से, एक ही जंप में वो कमरे से बाहर निकल गया और खिड़की के बाहर जाकर मुड़ा पास के। करीब 2 मिनट बाद जब वो वापस आया तो अपने 2 पिछले पैरों पर चल रहा था। अपने अगले 2 हाथों में उसने एक विशेष किस्म की दूरबीन को संभाल रखा था। दूरबीन उसने बतन को दे दी। अल्फांसे की तरफ दूरबीन बढ़ाता हुआ बतन बोला, लीजिए इसे लगाकर प्रयोगशाला की तरफ देखिए। अल्फांसे देखा तो ऐसा ही क्रिया। प्रयोगशाला की पूरी छत को अजीब था किरणों की जाल से कवर कर रखा था। किरणों से जाल की एक छतरी सी बनाई गई थी जिसके नीचे प्रयोगशाला की छत थी। अल्फांसे ने देखा और लाल और बारीक दहकती हुई किरणों का एक विशाल जाल। किरणें किसी पतले तार जितनी मोटी थी, वे तार एक दूसरे से बने हुए प्रतीत हो रहे थे, ठीक आटा छानने की चलनी का बड़ा रूप। कुछ देर तक अल्फांसे उसे देखता रहा, फिर दूरबीन आंखों से हटाए ही बोला, ये क्या है? अल्फांसे का ये कहना था कि धनुष्टंकार ने उसके हाथ से दूरबीन ले ली। उधर धनुष्टंकार दूरबीन आंख से सटाए प्रयोगशाला की छत को कवर किए दहकती किरणों के उस बारीक जाल को देख रहा था। वो
उधर अलफान से नंगी आंखों से उस जाल को देखने की असफल कोशिश कर रहा था। इस तरह कोशिश करने से कोई लाभ नहीं है चाचा, दूरबीन के बिना इस विशेष किरणों के जाल को कुछ नहीं दिखेगा, वतन ने कहा। प्रयोगशाला की इमारत पर से नज़रें हटाकर अल्फांसे ने वतन पर नज़रें घटा दी। बोला, उनकी विशेषताएं नहीं बताओगे? सुनिए डॉक्टर वैज्ञानिक भारतीय। वतन मुस्कुराया रहस्यमय ढंग से। भावा का नाम तो सुना ही है, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने किसी ऐसे किरणों का जिक्र किया था जिनकी मौजूदगी में अनुभव की विशेषता एक गेंद से बढ़कर ना हो सकेगी। क्या कहना चाहते हो? मेरी प्रयोगशाला की छत को कवर किए जो किरणें आपने देखी वो डॉक्टर भावा का ही आविष्कार है। क्या मतलब? अल्फांसे बुरी तरह चौंका। मतलब ये चाचा कि जिन किरणों का आविष्कार भावा करने वाले थे उन्हें तो दुश्मन ने यह आविष्कार पूर्ण करने से पूर्व ही मौत की गहरी नींद सुला दिया। गंभीर स्वर में वतन कह रहा था, मैंने आविष्कार अधूरा मगर उनका वो अधूरा आविष्कार मैंने पूर्ण कर दिया। कैसे? वेवज एम द्वारा। ओवेज एम है क्या ये? ओवेज दोहराया अल्फांसे ने। ये मेरे उसी यंत्र का नाम है जिसके बारे में विश्व के अखबारों में छपा है। करने कैच आवाजी से ब्रह्मांड बताए वतन नाम का यंत्र अपने मैंने वाले अपने यंत्र का नाम वतन वेव रखा है। इसी वेव एम द्वारा मैंने ब्रह्मांड में आवाज की बिखरी कैच किया और उसी का आधार पर भावा की उस अधूरे कार्य को पूर्ण किया जिस आविष्कार को करने से पहले डॉक्टर भावा दुश्मन के षड्यंत्र का शिकार हो गए। उसको मैंने उन्हीं की आवाज़ से पूर्ण कर लिया। क्या डॉक्टर भावा इन किरणों का फार्मूला तैयार कर चुके थे? बेशक, ब्रह्मांड में मुझे वतन ने बताया उनकी आवाज़ ही मिली है तो बेशक वे फार्मूला तैयार कर चुके। जरा स्पष्ट करके बताओ। आपको याद होगा कि डॉक्टर भावा के साथ उस विमान के जिसके क्रैश होने पर वो मारे गए उसका एक सहयोगी भी था जो उन्हीं के साथ मारा गया। ब्रह्मांड में से मुझे डॉक्टर भावा और उनके सहयोगी की आवाज़ें मिली हैं। आवाज़ें उस वक्त की है जब वे दोनों इन किरणों के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे विवज एम ने सबसे पहले डॉक्टर भावा की और आवाज़ पकड़ी है। बेड में दिमाग में फार्मूला का किरण। क्या आप मुझे बताएंगे ये आवाज़ उनके सहयोगी की थी? क्यों नहीं? विवज एम द्वारा ब्रह्मांड से कैच की गई डॉक्टर भावा की आवाज़। दुनिया में मात्र तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर हम आँखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। गौर से सुनो कि अनुभव है। हम तुम्हें बता सकते हैं कि अनुभव शक्ति को ही हीन करने वाली किरणें किस तरह बनाई जा सकती है। ध्यान से सुनना और जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई कमी नज़र आए फौरन रोक देना। इस तरह ब्रह्मांड वतन ने कहा। ब्रह्मांड में बिखरी भावा और उनके सहयोगी के बीच हुई समस्त बातें मैंने बेवज एम द्वारा इकट्ठी कर ली। उन आवाज़ों में डॉक्टर भावा ने अपने सहयोगियों को किरणों का फार्मूला बताया था। बस प्रश्न की तरह सहयोगी उनके बीच में मुझे फार्मूला मिल गया और फिर मुझ जैसे व्यक्ति को फार्मूले के आधार पर किरणों का आविष्कार करने में वाला क्या दिक्कत पेश आ सकती थी? प्रयोगशाला के ऊपर उन किरणों का जाल आपने देखा ही है। क्या सचमुच ये वही किरणें हैं? अल्फांसे ने पूछा। निसंदेह। और वतन का जवाब था उनके और भावा डॉक्टर में चलकर प्रयोगशाला में चलकर आप स्वयं सहयोगी की आवाज़ आपको सुना सकता हूँ। वेवज एम द्वारा मैंने ब्रह्मांड से उन्हें कैच करके टेप रिकॉर्डर में भर लिया है। प्रयोगशाला के ऊपर आपने वही किरणें देखी है जिनकी छतरी के नीचे समूचे भारत को अनुभव के भय से मुक्त रखना डॉक्टर भावा का ख्वाब था। कई क्षण तक सोचता ही रह गया अल्फांसे। फिर बोला, तो महान हो वतन, बेशक तुम आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो। जो तुमने किया है वो उसे आँखों से देखने के बावजूद यकीन नहीं आता कि तुम इतना सब कुछ कर सकते हो। मैंने क्या किया है चाचा? वतन ने कहा। सिर्फ मैंने तो विवज एम का आविष्कार किया है, बाकी किरणें तो डॉक्टर भावा का आविष्कार है। महान तो वे थे जिन्होंने इन अजीबो गरीब किरणों का आविष्कार कर लिया था। मैंने क्या किया? जो किया ये सिर्फ डॉक्टर भावा अपने सहयोगियों को बताते रहे। दुनिया में इतने बड़े अल्फांसे हैं
इतने बड़े वैज्ञानिक पढ़े हैं, उन्होंने क्यों नहीं डॉक्टर भावा के इस अधूरे आविष्कार को पूर्ण कर लिया? उनके पास बेवजह कहाँ था? बेवजह का आविष्कार ही तो तुम्हारी महानता है, अल्फांसे ने कहा। आज तक कोई सोच भी नहीं सका कि ब्रह्मांड के वाजिक कैच करने का कोई यंत्र भी बनाया जा सकता है। तुमने यंत्र बना लिया, उस यंत्र की मदद से ब्रह्मांड में डॉक्टर भावा, ओह चचा, उसे बीच में ही रोक दिया वतन। आप तो मेरी तारीफ करने लगे। बात तो सिर्फ ये थी कि मैं आपको ये प्रबंध बता रहा था जो प्रयोगशाला की सुरक्षा के लिए मैंने किए। आप तो एक ही प्रबंध देकर उसी में खो गए। ओह अल्फांसे, खोकर किरणों की, वास्तव में मैं जैसे उन्हीं किरणों में खोकर रह गया था। उसने अपने सिर को झटका देकर मस्तिष्क को विचार मुक्त किया और बौखलाकर, हाँ और क्या प्रबंध किए हैं, आइए मेरे साथ, वतन उनसे कहा और कक्ष से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। धनुषंकार भी अपनी जाल से दूरबीन हटाकर उनके साथ साथ चल दिया। वे चारों राष्ट्रपति भवन के बाहर निकले। द्वार पर ही वतन की चमचमाती हुई सफ़ेद कार खड़ी थी। दूध कपड़े सफ़ेद जैसे ड्राइवर पहने उसका अभिवादन किया और स्वागार्थ करके दरवाजा खोले। कुछ ही देर बाद कार अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। लेकिन तुमने अखबारों में इन किरणों के बारे में तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था वतन, अल्फांसे ने कहा। तभी तो कहता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट से जैसा आपके और विजय चाचा ने सोचा उतना मूर्ख नहीं हुए, वतन ने बताया। अखबार वालों को मैंने उतना ही बताया है जितना बताना चाहिए। वास्तव में अल्फांसे उन प्रयोगशाला की सुरक्षा से प्रभावित हुआ, परंतु उसे करना था, उस सुरक्षा उसे टाल नहीं सकती थी। वतन द्वारा प्रयोगशाला की सुरक्षा के प्रत्येक प्रबंध को ध्यान से देखता और दिमाग में बैठाता हुआ अल्फांसे उसके साथ चला। समूचे इंतजाम को देखकर उसकी आंखों में जो चमक उभरी, वतन धनुष्टकार अथवा अपोलो में से कोई नहीं देख सका था। उनके साथ चलता हुआ ये इमारत की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो इमारत से 50 गज दूर ही थी कि बीच में एक खाई आ गई। वतन के साथ ठिठक कर किनारे के खाई उन सभी के साथ अल्फांसे ने देखा। ये खाई इमारत की दीवार के साथ साथ चली गई थी। जरा इस खाई में झांके चाचा, वतन ने कहा। अल्फांसे ने झांका तो उस आदमी का दिल धक से रह गया। खाई अत्यंत ही गहरी थी, उसके अनुमान से 25 गज नीचे पानी का ऊपरी तल नजर आ रहा था। उस तल के नीचे खाई और कितनी गहरी है ये अल्फांसे अनुमान न लगा सका। अभी वो झांक रहा था कि पानी में से जोरदार हलचल महसूस हो। इमारत की दीवारें के सहारे वतन, खाई बनाई गई है चारों तरफ सहारे, देख आप तो देख ही रहे हैं। ध्यान से देखते मैंने दौड़ाई, ये रहे खाई बनाई गई है। चेतक कौन, अल्फांसे ने पूछा। कमाल है चाचा, मुस्कुराते हुए वतन ने कहा। आप जानते नहीं उसे, चेतक वही महाराणा मयोदा के इतिहास भारतीय में, ध्यान से उसी घोड़ा का प्रताप रखकर मैंने इस खाई की चौड़ाई 50 गज रखी है। घोड़े का इस खाई से क्या मतलब? कभी कभी तो आप ऐसी बातें करते हैं चाचा जैसे कुछ जानते ही ना हो, वतन बोला। हालांकि इस जमाने में चेतक जैसा कोई घोड़ा है नहीं, और होगा भी तो चेतक भी इतनी चौड़ाई खाई को एक ही जंप में कभी पार नहीं कर सकेगा। ओह, अल्फांसे इस तरह बोला जैसे अब वतन के कहने का मतलब समझा बोला। लेकिन किसी घोड़े का जंप लगाकर क्या इसमें मरना है? मान तो कि कोई घोड़ा इस खाई को एक ही जंप में पार कर भी जाता है तो जाएगा कहाँ? इमारत की दीवार से टकरा कर जाएगा, नतीजा ये होगा कि वापस इस खाई में जाकर गिरेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये खाई कितनी गहरी है, कहा, क्योंकि आप इसकी गहराई को सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक पानी भरा हुआ है। पानी कितने भाग में भरा है ये आप नहीं जान सकते, तो बता दो, अल्फांसे ने कहा। खाई की गहराई का आइडिया मैंने कुमकरण की खोपड़ी से लिया था, वतन ने बताया। कुमकरण की खोपड़ी, अल्फांसे चौंका। नहीं समझे ना, वतन फुना हंसा। आपको यूँ समझाता हूँ, मुस्कुराता हुआ बोला। समय की बात, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था उसमें पांडव की विजय और कौरव की पराजय हो गई थी। अपनी इस विजय पर पांडव को गर्व हो गया था, उन्होंने महाभारत जीता था, इसलिए वो ये समझने लगे थे कि दुनिया में उनसे बढ़कर कोई योद्धा है ही नहीं। उसी गर्व में चूर्व एक बार हंसते हुए भीम ने श्री कृष्ण ने कहा, भगवान हम बहुत ही परेशान हैं,
किसी नदी तालाब नहर में इतना पानी ही नहीं है जिसे मैं आराम से नहा सकूं। हर जगह नहाने की कोशिश की किंतु घुटनों से ऊपर पानी ही नहीं जाता, मतलब ये कि बाकी शरीर भर पानी लोटों से डालना पड़ता है, आराम से नहाने की कोई जगह ही नहीं है। हंसी में कहे गए इन शब्दों में छुपे गरुड़ को श्री कृष्ण ने नोट कर लिया। अब नीति को कन्हैया निपुण उनका गरुड़ तोड़ना आवश्यक भी लगा। अपने सांवरे होठों पर आकर्षक मुस्कान बिखरते बोले, चलो आज हम तुम्हें नहलाते हैं। इस तरह वे पांचों पांडव को लेकर चल दिए। एक बड़े श्री कृष्ण जाकर किनारे तालाब के किनारे उन्हें खड़ा कर दिया और भीम से बोले, इसमें तुम जितना चाहो नहा सकते हो। न सिर्फ भीम बल्कि पांचों ही पांडव मुस्कुरा उठे। इस छोड़कर कि एक छोटे से तालाब से नहाने के लिए कह रहे हैं, भीम ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो भगवान, मजाक नहीं करते। चतुर कृष्ण ने कहा, अगर आराम से नहाना चाहते हो तो इस तालाब में नहाओ। पांचों पांडव ने एकमात्र युधिष्ठिर ऐसे थे जो श्री कृष्ण की बात की गहराई को पकड़ सके। उन्होंने भीम को उस तालाब में नहाने की आज्ञा दी। भाई की आज्ञा पाकर भीम उस तालाब में ही चले गए। बहुत नीचे जाने पर भी जब उन्हें तालाब का तल न मिला तो घबराए और हाथ पांव चलाकर तैरने लगे। तालाब के ऊपर आए तो नहाना भूलकर वापस आए। किनारे पर खड़े सांवरे के होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। आश्चर्य के साथ तालाब की ओर देखते हुए भीम ने पूछा, ये कैसा तालाब है भगवान? ये तालाब नहीं है भीम, एक ओमकरम नाम के एक योद्धा का सिर है। कृष्ण ने बताया, किसी जमाने में ये रावण का भाई हुआ करता था। श्री राम ने इसका संहार किया तो उसका धड़ युद्ध क्षेत्र में और सिर यहाँ आकर गिरा, मगर उसके सिर में न कितनी बरसातें का पानी भर गया है, बस ये है तालाब ही ऐसा। पांचों पांडव आश्चर्य के साथ श्री कृष्ण का मुखड़ा देखने लगे। कन्हैया ने कहा, जिसके सिर में बरसात के भरे पानी में तुम डूब गए, जरा अनुमान करो कि वो कुंभकर्ण क्या होगा, किस किस्म का योद्धा होगा, और ऐसे को भी श्री राम ने मार डाला, अतः तुम अपनी कौन सी शक्ति पर गुरूर करते हो। पांचों पांडव की अकले ठिकाने आ गई। बस किस्सा सुनाने के बाद वता ने कहा, कुंभकर्ण की खोपड़ी को दिमाग में रखकर मैंने इस खाई की गहराई बनवाई है। भारतीय इतिहास और ग्रंथों की तुम्हें अच्छी जानकारी है, मुस्कुराता हुआ अल्फांस से कह रहा था। अखबार में छपे स्टेटमेंट में भी तुमने महाभारत में प्रयुक्त होने वाले हथियारों का जिक्र बड़े अच्छे ढंग से किया था, और अब चेतक तथा कुंभकर्ण की खोपड़ी का उदाहरण भी बड़े अच्छे ढंग से दिया है। सद उन ग्रंथों को उदाहरण देना तुम्हारी आदत भी है, मोहक ढंग से मुस्कुराया वतन कहने लगा। वैज्ञानिक हूँ ना, और ये भी जानता हूँ कि भारत के प्राचीन ग्रंथ विज्ञान से भरे पड़े हैं। उन ग्रंथों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आज भी वे इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। खैर छोड़ो ग्रंथों को, तुम अपनी प्रयोगशाला की सुरक्षा के बारे में कुछ और बता रहे थे, वता ने कहा। हाँ, तो इस खाई की गहराई के बारे में तो आप जान ही चुके हो। ये खाई न सिर्फ इसलिए खतरनाक है बल्कि इसलिए भी है कि इसमें पानी के भरे अंदर और खतरनाक किस्म के जानवर मौजूद हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। एक बार जो इस खाई में गया समझो मौत के मुंह में चला गया। अल्फांसो को याद आई खलबली, पानी की ला खलबली। एक बार वो मुस्कुराया और झांक कर देखा तो उसके जिस्म में झुरझुरी से दौड़ गई। पानी के ऊपर तैरते एक भयानक मगरमच्छ को उसने साफ देखा था। न जाने क्यों अल्फांसो जैसा व्यक्ति भी थरथरा गया। क्या किसी भी आदमी को प्रयोगशाला के अंदर जाने से रोकने के लिए इतने प्रबंध कुछ कम है, वता ने पूछा। नहीं, अल्फांसो के होठों से बरबस निकला, काफ़ी है, तो आइए मेरे साथ, वता ने कहा। जरा ध्यान से देख लीजिए कि प्रयोगशाला के इस दीवार में कहीं कोई रास्ता तो नहीं है। ध्यान से देखते हुए अल्फांसो ने कहा, नहीं रास्ता तो कहीं भी नहीं चमक रहा है। इस बीच वतन उन्हें लिए इमारत के ठीक बीच में पहुँच गया। अल्फांसो ने देखा और वता ने एक अजीब से ढंग से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। इधर उसके हाथ ऊपर उठे, उधर खाई के पार ठीक उनके सामने प्रयोगशाला की दीवार में हल्की ओई और गड़गड़ाहट सी। दीवार में न सिर्फ एक खिड़की के बराबर रास्ता खुल गया बल्कि उस रास्ते में से सरसरा कर एक स्टील की चादर खाई के इस किनारे की तरफ भी बढ़ने लगी। ये चादर सिर्फ एक गज चौड़ी थी। सरसराहट पैदा करते हुए स्टील की चादर खाई की इस किनारे तक पहुंची और किनारे की जमीन से सटकर रुक गई। जब खाई पर स्टील की उस चादर के रूप में एक गज चौड़ा और 50 गज लंबा एक पुल बन गया। ये पुल प्रयोगशाला की दीवार में एक खिड़की नुमा दरवाजे तक गया था और ये दरवाजा खुला हुआ था। आओ
चाचा वता ने कहा। यह है प्रयोगशाला के अंदर जाने का एक मास्त रास्ता। कहने के साथ उसने स्टील की उस चादर पर पैर रखा और लंबे लंबे कदमों के साथ उस पुल को तय करने लगा। ये बात और थी कि घंटियां बजाता अपोलो अब भी उसके आगे था। धनुष्टंकार अल्फांसे के कंधों पर चढ़ गया और मुस्कुराता हुआ अल्फांसे वतन के पीछे बढ़ रहा था। अपनी छड़ी को टक टक के साथ वतन बड़े शाही ढंग से उसे अजीबोगरीब पुल को तय कर रहा था। कुछ ही देर बाद वे सब उस खिड़की में से होते हुए प्रयोगशाला के अंदर पहुंच गए। अंदर खिड़की के समीप ही दाहिनी तरफ एक सैनिक खड़ा था। उसने वतन को श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया। उसके करीब ठिठक कर वतन ने अल्फांसे से कहा, इस आदमी ने मेरा ये संकेत देकर जो खाई के उस पार से लिया था ये रास्ता खोला था। अब मान लीजिए कि मेरे इस पीछा करने की चेष्टा की आने की प्रयोगशाला आदमी कोई हुआ तो पीछे भागता हुआ कोई आदमी प्रयोगशाला के आने की चेष्टा की तो उसका अंजाम समीप की दीवार में ही लगा बटन ने दबा दिया। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ खाई के पार वाला सिरा अपनी जगह से हटा और स्टील की चादर खाई की तरफ झुकती चली गई। इस हद तक झुकी कि वो फूल पूरी तरह खाई में लटक गया। अंजाब की कल्पना अपने आप स्वयं कर सकते हैं। दूसरा ने कहते हुए वतन ने दूसरा बटन दबा दिया। स्टील की चादर सिमट कर अंदर आने लगी। कुछ ही देर बाद वो चादर भी अंदर आ गई और खिड़की नुमा रास्ता भी बंद हो गया। अब पहली बार अल्फांसे ने उधर से ध्यान हटाकर ये देखा कि वो कहाँ गया है। इस वक्त वो एक बहुत ही हॉल में था और उसकी छत ठीक उतनी ऊंचाई पर थी जितनी ऊंचाई प्रयोगशाला की दीवार थी। जगह रोशन रोडों से पूरे हॉल में प्रकाश कर रहा था। वो जगह हॉल में सादगी के नाम पर कोई इक्का दुक्का ही नज़र आ रहा था। एक कोने में बड़े मुस्त सैनिक चार आगे जनरेटर रखे थे। जनरेटर चार बड़े के साथ बैठे थे। वतन ने बताया, खोला रास्ता लिए करता है, कोई भी खतरे की बात होगी तो वो अभी जो मेरे लिए रास्ता खोला है वो खतरे का साइन बजा देगा और खतरे का साइन बजते हुए चारों सैनिक जनरेटर ऑन कर देंगे। परिणाम ये होगा कि प्रयोगशाला की चारों दीवारों में करंट वहने लगेगा। वैसे सारी रात वो जनरेटर ऑन ही रहते ही हैं, उन्हें बताता हुआ वतन हॉल में एक तरफ बढ़ गया। लेकिन इस प्रयोगशाला के अंदर आदमी की नहीं, अल्फांसे ने कहा, है कोई नज़र ही नहीं आ रहे। ज़्यादा आदमियों का यहाँ करना भी क्या है, वतन ने बताया। जरूरत के अनुसार यह आदमी है। एक बात और भी है जिसे सुनकर शायद आपके आश्चर्य होगा, ये कि प्रयोगशाला के अंदर एक भी आदमी प्रयोगशाला से बाहर नहीं जा सकता। क्या मतलब? वाकई अल्फांसे पूर्ण रूप से चौंक पड़ा था। हाँ चाचा, बतन ने बताया, चमन में मात्र मैं और अपोलो ही ऐसे जीव हैं जो हर रोज प्रयोगशाला के अंदर और बाहर की दुनिया देखते हैं। वरना ज्यादा ये है कि जो लोग प्रयोगशाला के अंदर है वो कभी प्रयोगशाला से बाहर नहीं गए और जो लोग प्रयोगशाला से बाहर है वे नहीं जानते कि प्रयोगशाला अंदर से कैसा दिखता है। चमन के कानून के मुताबिक प्रयोगशाला के अंदर वाले किसी आदमी का बाहर जाना किसी बाहरी आदमी का अंदर बना जुर्म है और इस जुर्म को करने वाले की सज़ा ये है कि उसे खाई में डाल दिया जाएगा। किंतु शुक्र है कि आज तक किसी को ऐसी हिंसात्मक सजा देने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे और अपोलो के अलावा आज तक प्रयोगशाला के अंदर का कोई आदमी बाहर नहीं निकला है और बाहर से कोई अंदर नहीं आया है। बेशक मेरे कहने का यही मतलब है। और कठोरता के साथ हर आदमी इस कानून को पालन करता है, वतन ने कहा। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की नॉवेल सीरीज की 32वीं एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और जासूसी नॉवेल सीरीज विजय और विकास। इस नॉवेल सीरीज़ की ये 32 एपिसोड थी और इस सीरीज़ में आप लोग अभी जिस उपन्यास का वाचन सुन रहे थे उस उपन्यास का नाम था चीख उठा हिमालय। लेखक थे वेद प्रकाश शर्मा और आवाज़ें थी आरजे अरुण की। उपन्यास की आगे कथानक इस सीरीज़ के
33वें एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी विजय और विकास इस नॉवेल सीरीज की 33 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।